हे गाइस, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय इजी गो टू सैंडविच रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो गाइस, ये पोटैटो सैंडविच है एक्चुअली। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 पोटैटो, मैंने बॉईल कर लिया था तो मीडियम साइज़ का, तो उसे मैश कर लिया है और इसमें डाला है हाफ़ अनियन, हाफ चॉप्ड अनियन, और साथ में 1 टेबलस्पून सॉल्ट एंड 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून चाट मसाला, और साथ में डाल दिया है ओरिगैनो और 1 टेबलस्पून केचप, और यहाँ पे हाफ टेबल स्पून मैनीज मैंने डाला है। तो यही गार्लिक फ्लेवर का मैनीज है, उसके बाद उसको मिक्स कर देंगे। तो बस यही है फीलिंग जो जब मैं स्पेशली मैं वीकेंड पे बनाती हूँ, जब बहुत ही लेज़ी डे रहता है ना, एक कुछ उतना कुछ करने का मन नहीं होता है, तो फटाफट सैंडविच बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, अगर आप इसे वाइट ब्रेड पे बना के भी खा सकते हैं तो वाइट ब्रेड पे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट कोई नहीं, ये ब्राउन ब्रेड थोड़ा हेल्दियर ऑप्शन है। तो इसमें मैंने लगा दी है ग्रीन चटनी, तो घर पे बनाया था मिंट एंड कोरिएंडर चटनी, और उसके बाद उसमें डाल दिया है फीलिंग। तो अगर आपके पास चटनी नहीं है तो आप डायरेक्ट आलू वाला फीलिंग ही डाल के बना सकते हो। तो उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, और साथ में यहाँ पे मैंने चीज़ लगा दिया है। तो आप ऐसे भी चीज़ नहीं भी डालोगे तो चलेगा, बट ठीक है, चीज़ रहने से ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस एक साइड बटर लगाएंगे, उसके बाद उसको पैन में उसको टोस्ट कर लेंगे। तो एक उसके बाद दोनों साइड में अच्छे से बटर लगा के दोनों साइड को फ्लिप करके उसको ब्राउन होने तक पका लेंगे। बस दैट्स इट, इजी है बहुत ही, ये रेसिपी बहुत इजीली बन जाती है। तो कुछ भी नहीं हो तो बस बना लो फटाक से। तो ये मैं हमेशा बनाती हूँ, तो जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं ऐसी ही ईजी रेसिपी वगैरह, ईजी एंड हेल्दी रेसिपी लाते रहती हूँ। तो यहाँ अपने हस्बैंड से भी रिव्यू ले लेते हैं। अच्छा है, तो गाइज़ आज का आपको रेसिपी मेरा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।